कानपुर विकास प्राधिकरण से आवंटित कमर्शियल दुकान पर भी अवैध व मानक विहीन बेसमेंट व अतिरिक्त तल बन के तैयार। आखिर जिम्मेदार कब निभाएंगे अपनी कर्म की पूजा की बागडोर? क्या यह दबंग भूमाफिया यूं ही राजस्व को क्षति पहुंचाते रहेंगे? आपको बताते चले, मामला पनकी गंगागंज का है, जहां बिल्डर ने मानक विहीन कार्य कराकर राजस्व को क्षति पहुंचाने में कोई भी कमी नहीं छोड़ी है। क्या किसी जिम्मेदार की नजर अभी तक नहीं दौड़ी मानक विहीन बिल्डिंग पे? यदि सारी जनता यही करने लगे तो क्या होगा कानपुर विकास प्राधिकरण के नियमों का? अब ऐसे में सोचने योग्य बात यह है कि सत्ता की चमक कहे या फिर सेटिंग गेटिंग का खेल, नियमों को ताक पे रख के हुआ निर्माणाधीन बिल्डिंग का निर्माण। अब ऐसे में देखना होगा कि कब जाता है संबंधित अधिकारियों का इस अवैध मानक विहीन बिल्डिंग पर ध्यान। सूत्रों के अनुसार पहले इस जगह पे बिजली का ट्रांसफार्मर था। कानपुर से क्राइम रिपोर्टर उमेश भार्गव की खबर। सियासी गलियारों से लेकर खेल के मैदान तक एंटरटेनमेंट के तड़के से लेकर कारोबार के उतार चढ़ाव तक मंदिरों में बजती घंटियों से लेकर दरगाह की नमाज तक जुर्म के दलदल के हर झूठ का करेंगे पर्दाफाश। यहाँ हर खबरें उगलेंगी, हर कातिल के राज, खबरें नहीं खबरों का सटीक विश्लेषण। क्योंकि आप देख रहे हैं अखंड न्यूज़ 24।